हेलो टू ऑल फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुमित राणा। बेटा, हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर को लेकर के आगे चल रहे हैं, जिसमें बीएससी सेकेंड ईयर से रिलेटेड हमने जूलॉजी पर डिस्कस कर लिया है। काफ़ी कुछ वहाँ पर देख लिया है, जूलॉजी का सिलेबस भी हम लोगों ने वहाँ पर देख लिया, और जूलॉजी के फर्स्ट पेपर को भी वहाँ पर शुरू कर दिया गया। और जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में हम लोगों ने पहली यूनिट डिस्कस भी करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर जो स्टार्ट करने वाले हैं वो बॉटनी के सिलेबस की बात करेंगे पहले, फिर उसके बाद में बॉटनी की पहले फर्स्ट पेपर की पहली यूनिट स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों को एक साथ लेकर के चल रहे हैं, जिसमें जो पहले आपको लेक्चर मिल रहे हैं वो आराम से मिलते जाएंगे। अब लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप नए व्यूअर्स हैं और आप पहली बार मेरे लेक्चर को देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपका यही काम बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और ये जो वीडियो है इसको शेयर कर दीजिए, अपने तक मत रखिएगा, अन्य बच्चों को भी भेजिएगा जो आपसे ही रिलेटेड आपके ही क्लासमेट हैं या अदर कहीं बीएससी कर रहे हैं उनके पास में, क्योंकि आपका तो फ़ायदा हो ही हो, इसके साथ साथ उन बच्चों का भी फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है जूलॉजी सिलेबस, सॉरी बॉटनी सिलेबस के बारे में। और बॉटनी सिलेबस में हम लोग उसका फुल डिटेल देखेंगे, और इसमें सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पेपर की बात करेंगे, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर से है। तो पहले पेपर हम लोग यहाँ पर देखें, इसका नाम है डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स सिस्टमेटिक्स एंड डेवलपमेंट। दैट मीन्स यहाँ पर पहले पेपर में हम लोगों को डाइवर्सिटी देखना है, डाइवर्सिटी मतलब विविधता देखना है एंजियोस्पर्म्स में, और इसमें सिस्टमेटिक्स के बारे में पढ़ना है और डेवलपमेंट्स के बारे में भी यहाँ पर देखना है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा डेवलपमेंट हमको देखना है। क्लियर? अच्छा, अब आपको पता है कि पहले पेपर में जिस तरीके से आप लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर अभी पास आउट करके आए, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हर एक पेपर में चार चार यूनिट होती हैं। अब एक बात यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है बच्चों को कि सर मेरे यहाँ तो चार यूनिट नहीं, पाँच है, या यूनिट वाइज है ही नहीं, हमारे यहाँ सेमेस्टर वाइज है, या हमारे यहाँ सिलेबस पूरा दे दिया गया है। तो बच्चों, आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, ये जो मैं सिलेबस अपलोड कर रहा हूँ ये रॉयलखंड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड यहाँ पर है, लेकिन आप जितनी भी यूनिवर्सिटी, जो भी आसपास यूनिवर्सिटीज़ हैं या आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, आप अपने सिलेबस को मैच कीजिए, और ये जो मैंने यहाँ पर सिलेबस लिखा हुआ इसको मैच करिए। ठीक है, तो आपको मोस्ट ऑफ सिलेबस सिमिलर ही मिलेगा, जिसमें जो चीज़ मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा वही चीज़ आपको वहाँ पर पढ़नी है। तो जाहिर सी बात है, आपके टॉपिक्स तो वही हैं, ठीक है, नाम चेंज हो गया है वो अलग बात है, कहीं सेमेस्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है, कहीं यूनिट वाइज पढ़ाया जा रहा है, और कहीं पर जो है ना किसी और तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो तरीके की, हम ये कह सकते हैं कि जो सिलेबस को पुटअप किया गया है, इसमें आपको पढ़ना वही है, पढ़ना सेम है, हालांकि कुछ ऑर्गेनिज्म को पहले पढ़ना है, कुछ ऑर्गेनिज्म को बाद में पढ़ना है। कहीं कहीं किसी किसी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा है कि कुछ यूनिवर्सिटी क्या करेगी, सेकेंड ईयर में जो सिलेबस है वो फर्स्ट ईयर में ही कवर अप करा दे रही, वहाँ पर दूसरा पढ़ाएगी। तो हायर और लोअर ये तो हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ सिलेबस हम ये कह सकते हैं अबाउट 85% जो सिलेबस है वो आपका सेम है, सिमिलर है। क्लियर? चलो, अब हमने आपको बताया कि हर जो मैं बता रहा था कि बीएससी फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने हर एक पेपर में चार यूनिट पढ़ी है, उसी तरीके से सेकेंड ईयर में भी आपको चार यूनिट ही पढ़नी है। ठीक है, तो इसमें जो पहली यूनिट है इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करना है वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर सिस्टमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, पहली यूनिट में हम लोग देखेंगे सिस्टमेटिक और इसके नॉमेनक्लेचर, दैट मीन्स यहाँ पर नॉमेनक्लेचर को भी पढ़ना है, बायोनॉमल नॉमेनक्लेचर वगैरह यहाँ पर आएगा उसको देखना है, और क्लासिफिकेशन सिस्टम देखना है कि यहाँ पर बॉटनी में जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया है उसे किसने किसने दिया है, और हर एक का क्लासिफिकेशन सिस्टम अलग अलग तरीके का है। क्लियर? तो यहाँ पर सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम अपन को देखना है वो है लिनियस का, फिर यहाँ पर बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पहली यूनिट से दो क्वेश्चन हर यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं, तो इस यूनिट से आपको दो क्वेश्चन कहीं ना कहीं पर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, एंगलर और प्रेंटल इनका भी क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी माने जाते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर हसन एक साइंटिस्ट है, इनका भी ये क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया, वो भी देखेंगे, और क्रॉनकिस्ट एक साइंटिस्ट है, इन्होंने भी अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया है, इनके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए, इसके अलावा हम लोग यहाँ पर हर्बेरियम टेक्निक के बारे में समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे? हर्बेरियम टेक्निक, हर्बेरियम फाइल वगैरह जो बनाई जाती है उसमें जो टेक्निक यूज होती है, कैसे हम एक हर्बेरियम फाइल को प्रोड्यूस करेंगे या बनाएंगे। ठीक है, तो जो जो उसमें मेथड आएंगे वो सारा का सारा यहाँ पर डिस्कस करना, और डेफिनेटली आपके लिए अच्छी बात है, पहली यूनिट है, और आपको बताया मैं हर एक पेपर की पहली यूनिट कवर अप करता हूँ,
फ्री में आपको मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। बाकी जो रहेंगी वो सब पेड रहेंगी। पेड कहने का मतलब ये है कि सेकेंड थर्ड फोर्थ यूनिट जो रहेगी वो मैं ज्वाइन वाले ऑप्शन में ही अपलोड करूँगा। धीरे धीरे होगा सब कुछ बेटा, और समय लगेगा क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और मैं आप लोगों के बीच में आ ही गया हूँ। और एक बात मैं ये भी बता दूं कि ये जो मैं लेक्चर लोड कर रहा हूँ, आप समझ ही रहे होंगे इसमें जो मैं जो बोलता हूँ शुरू में कि अभी चल रहा है, और मुझे पता है आज से अगर 5 साल बाद 4 साल बाद जो लेक्चर चलेगा उसमें भी यही चलेगा, तो कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि सर क्या अभी आप अपलोड कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। धीरे धीरे जो बहुत लेट बच्चा आएगा तो उसको तो बेनिफिट मिलना ही मिलना है। जो अभी हमारे हमको फॉलो कर रहे हैं उन बच्चों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि चलना है धीरे धीरे, ठीक है, कछुए की चाल में ही चलना है। लेकिन बहुत मैं इस समय ये समझ लीजिए कि बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर प्रोवाइड कराने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि केमिस्ट्री के भी सर एग्री हो गए और उन्होंने भी अपने लेक्चर इसी पोर्टल पे अपलोड करना शुरू कर दिए। तो आप अगर केमिस्ट्री आपके पास में है तो आप केमिस्ट्री भी देख लीजिए, वहाँ से आपको बहुत कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर, अच्छा, हर्बेरियम टेक्निक देखनी है और इसी में ही हम लोग को बॉटनिकल गार्डन देखने हैं। तो जो गार्डन अपनी इंडिया में है, बॉटनिकल गार्डन जो बनाए गए अपनी इंडिया में, उनको समझना है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। चलो उसके बाद में यूनिट सेकंड की बात करते हैं। तो यूनिट सेकंड में हम लोगों को जो स्पेशली पढ़ना है वो टैक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ फॉलोइंग फैमिलीज। कई फैमिलीज यहाँ पर दी गई हैं, डाइकॉट मोनोकॉट, इनकी टैक्सोनॉमी स्टडीज देखनी है। इसके साथ साथ इसमें क्या क्या फीचर्स हैं उनको भी समझना है, और उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट को भी देखना है, ठीक है। तो इस यूनिट में टैक्सोनॉमी देखना है फैमिली की, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट देखना है इन्हीं फैमिलीज में। तो देखिए डाइकॉट, आपको पता है प्लांट्स दो तरीके के होते हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट। डाइकॉट में बहुत सारी फैमिलीज रखी गई हैं, इवन 20 या 22 टाइप्स ऑफ फैमिली यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जो आपको फैमिली पढ़ाऊंगा वो इंपॉर्टेंट है, और ये 10 फैमिली मैंने यहाँ पर चुनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत कुछ एग्जाम में आता है, तो इन्हीं पर ही डिस्कस करेंगे। तो पहली जो यहाँ पर फैमिली है वो है मालवेसी, दूसरी है ब्रेसिकेसी, तीसरी है कुकरबिटेसी, और चौथी जो यहाँ पर है वो है लेग्यूमिनेसी, पांचवी है रूटेसी, छठी है एपीएसी, सातवीं है सोलेनेसी, आठवीं है लेमिएसी, और नवीं है एस्टरेसी, और दसवीं है जो कि लास्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर फैमिली, इसको हम लोग बोलने हैं U4BAC, ठीक है, U4BAC। तो ये हम लोग यहाँ पर डाइकॉट के अंतर्गत फैमिलीज को डिस्कस करेंगे। अब कुछ मोनोकॉट में भी फैमिली आती हैं, तो जैसे कि यहाँ पर पोएसी एक फैमिली है, इसको मोनोकॉट में डिस्कस करेंगे, और एक फैमिली है लिलिएसी, ठीक है। तो पोएसी और लिलिएसी जो फैमिली है वो हम लोग मोनोकॉट में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये पहली और दूसरी यूनिट यहाँ पर कवर अप हुई है। अब हम लोग तीसरी और चौथी यूनिट के बारे में देख लेते हैं। चलिए हम लोग पहले पेपर की यूनिट थर्ड और फोर्थ देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो यूनिट थर्ड है इसमें आप लोगों को पढ़ना है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ वेजिटेटिव और फ्लोरल पार्ट, यानी कि जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है यानी बाह आकार की है ऑफ वेजिटेटिव, दैट मीन्स जो उसका वेजिटेटिव कहने का मतलब जो बाह भित्ति है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहने का मतलब बाह भित्ति, तो जो वेजिटेटिव रीजन है उसका एंड फ्लोरल पार्ट, दैट मीन्स जो प्लांट का वेजिटेटिव रीजन है उसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखना है, और इसमें जो फ्लावर आते हैं उसके पार्ट्स के बारे में देखना है। फिर देखो यहाँ पर हम लोगों को समझना है मॉडिफिकेशंस, भाई कुछ स्टेम्स मॉडिफाइड होता है, ठीक है, रूट मॉडिफाइड करती है, फ्लोरल फ्लावर मॉडिफाइड करते हैं, तो इनका जो मॉडिफिकेशन है वो समझना है, जिसमें हम लोगों को फाइलोट्स देखना है, फाइलोट्स क्या होते हैं, क्लेडोट्स क्या होते हैं, और फाइलोक्लेट्स क्या होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर शॉर्ट नोट आता है, ये हम लोग देखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर हम लोगों को देखना है एनाटॉमी ऑफ रूट स्टेम एंड लीफ, यानी कि रूट और स्टेम और लीफ का हम लोगों को एनाटॉमी समझना है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पर कैम्बियम को देखना है। यहाँ पर मैंने मेजर पार्ट लिख दिया, इस मेजर पार्ट में और भी चीज़ें इंक्लूड हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही मॉडिफिकेशंस में यही पढ़ना है या एनाटॉमी रूट स्टेम, और भी चीज़ें हैं उनको हम लोग इन्हीं हेडिंग्स के अंतर्गत आती हैं, ये मेन हेडिंग है इनके अंतर्गत आती है, उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए यूनिट फोर यहाँ पर देखिए, यूनिट फोर में हम लोग को देखना है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट बोले तो यहाँ पर हम लोग गैमेटोजेनेसिस के बारे में समझेंगे, ठीक है, प्लांट्स है तो प्लांट्स में गैमेटोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग देखो देखें देखो यहाँ लिखा है गैमेटोजेनेसिस, फिर हम लोग यहाँ देखेंगे टाइप ऑफ एम्ब्रियो शेक, एम्ब्रियो शेक का क्या टाइप होता है, यहाँ पर देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, दैट मीन्स दोहरा निषेचन कैसे होता है, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यहाँ पर देखेंगे, एम्ब्रियो का किस तरीके से डेवलपमेंट होता है प्लांट्स में, और यहाँ पर एंडोस्पर्म्स डेवलपमेंट, दैट मीन्स एंडोस्पर्म्स क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, और एंडोस्पर्म्स डेवलपमेंट कैसे होता है वो भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देन इसके बाद में लास्ट
जो दो पॉइंट्स यहाँ पर मैंने इंक्लूड किए हैं, इन पे शॉर्ट नोट आता है एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस पर और पॉली एम्ब्रियोनी पर शॉर्ट नोट आता है, ये भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ बॉटनी सिलेबस में पहले पेपर को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि पहले पेपर में कौन कौन सी यूनिट है और क्या क्या पढ़ना है। अब हम लोग पेपर सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, हम लोगों ने पेपर फर्स्ट समझ लिया था, अब हम लोगों को जो समझना है वो है पेपर सेकेंड बॉटनी सिलेबस का, और ये बीएससी सेकेंड ईयर को रिलेट कर रहा है सिलेबस। देखिए, इसमें जो हमको पढ़ना है वो है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी। दैट मीन्स ये पेपर जो आप यहाँ पर नाम समझ रहे हैं, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, इकोलॉजी, दैट मीन्स साइटोलॉजी से समझ में आ गया कोशिका के बारे में समझना है, जेनेटिक्स जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है, इवोल्यूशन और इकोलॉजी। ये पेपर बहुत ही छोटा, ईजी और इंपॉर्टेंट भी है, इसे आप ये समझ सकते हैं कि ये आपका अगर तैयार है तो आपके मार्किंग यहाँ से बन जाती है। ठीक है, तो इसमें देखिए, यूनिट फर्स्ट जो है इसमें आप लोगों को पढ़ना है सेल स्ट्रक्चर, दूसरा पढ़ना है सेल ऑर्गेनेल, तीसरा है न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, सेल डिवीजन, क्रोमोसोमल एबर्शन। दैट मीन्स इस पेपर के अंतर्गत हम लोगों को पूरा सेल के बारे में डिस्कस करना है, यानी सेल का संरचना देखना है, कोशिकांगों के बारे में देखना है, केंद्रक के बारे में देखना है, गुणसूत्र के बारे में देखना है, कोशिका विभाजन के बारे में देखना है, सेल डिवीजन जिसमें हम लोगों ने को माइटोसिस मियोसिस देखना है। और हम लोगों ने ये पेपर डेफिनेटली आपको याद आ रहा होगा कि बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने कहीं पढ़ा है, कहीं नहीं बल्कि जूलॉजी के थर्ड पेपर में आपने इसको डिस्कस किया। क्लियर, तो यहाँ पर हम लोगों ने सेल डिवीजन देखना है, कोशिका विभाजन, और हम लोगों को क्रोमोजोमल एवर्शन देखना है, कुछ चेंजेस वगैरह क्रोमोजोम्स के हो जाते हैं उसके बारे में समझना है। फिर देखिए, यहाँ पर यूनिट सेकेंड इंक्लूड की गई, यूनिट सेकेंड में हम लोगों को जेनेटिक्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जेनेटिक्स, जीन इंट्रेक्शन, लिंकेज एंड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। दैट मीन्स यहाँ पर अनुवांशिकी के बारे में समझना है, जीन किस तरीके से इंट्रैक्ट हो रहा है उसके बारे में समझना है, जीन किस तरीके से इंट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं उसको समझना है, लिंकेज को देखना है, और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस न्यू है इसके बारे में समझना है, किस तरीके से साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है। और यहाँ पर हम लोग को देखना है सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण, जो कि हम लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर में देखा है। फिर यूनिट थर्ड हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग को देखना है म्यूटेशन। म्यूटेशन, हाँ बिल्कुल, अचानक से जो चेंजेस हो जाते हैं बॉडी के जीन के अंदर, ठीक है, जीन में चेंजेस होते हैं, और ये जीन में चेंजेस होने के कारण एक पेरेंट से उनकी जनरेशन में ट्रांसमिट होने लगते हैं कैरेक्टर, ऐसे चेंजेस को हम लोग म्यूटेशन कहते हैं, और म्यूटेशन के कारण ही ऐसे चेंजेस आते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोगों को देखना है पॉलीप्लॉइडी ओरिजिन, पॉलीप्लॉइडी ओरिजिन किस तरीके से होता है वो समझना है, इवोल्यूशन देखना है, विकास के बारे में देखना है, एविडेंसेस एंड थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। दैट मीन्स यहाँ पर क्या एविडेंस है, क्या एविडेंसेस हैं इवोल्यूशन के, उनको समझना, और किसने किसने थ्योरी दी है उसके बारे में समझना है। फिर देखिए, यूनिट फोर यहाँ पर है इकोलॉजी, इकोलॉजी के बारे में देखना है। फिर यहाँ पर देखिए, प्लांट टाइप है, प्लांट कितने प्रकार के हैं, हाइड्रोफाइट्स और जीरोफाइट्स, हाइड्रोफाइट जल में पाए जाने वाले, जीरोफाइट जो ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है, और यहाँ पर प्लांट सक्सेशन देखना है, फिर इकोसिस्टम देखना है। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपका पेपर सेकेंड यहाँ पर कंप्लीट होता है। पेपर सेकेंड कंप्लीट होता है मतलब सिलेबस के लेवल पर कंप्लीट होता है, अभी धीरे धीरे पढ़ाना है आप लोगों को। और यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे पेपर थर्ड। चलिए, अब हम लोग जो है ना पेपर थर्ड की तरफ डिस्कस करते हैं, बढ़ते हैं, जिसमें पेपर थर्ड जो आपका है बॉटनी में वो है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो इस प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में जो पहली यूनिट है ये मेरी मनपसंदीदा है, जिसमें हम लोगों को प्लांट एंड वाटर रिलेशनशिप समझना है, यानी कि पौधे और वाटर के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में समझना। और बहुत सारी यहाँ पर पॉइंट्स और आएंगे, बहुत सारी और हेडिंग्स बनेंगी, उनको मैंने इंक्लूड नहीं किया है, तो उसका मतलब ये नहीं इतना ही सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारा यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद में सेकेंड जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा वाटर अपटेक, कंडक्शन एंड ट्रांसपिरेशन। वाटर किस तरीके से ऊपर जा रहा है, कंडक्शन किस तरीके से हो रहा है वाटर का, और ट्रांसपिरेशन क्या है इसके बारे में समझना है। ट्रांसपिरेशन पुल पे शॉर्ट नोट आता है। फिर यहाँ पर देखिए, मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में भी समझना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखिए, यहाँ पर समझना है मैकेनिज्म ऑफ आयन अपटेक एंड ट्रांसलोकेशन। मैकेनिज्म ऑफ आयन, दैट मीन्स आयन्स का मैकेनिज्म किस तरीके से हो रहा है, और ये किस तरीके से अपटेक हो रहा है, किस तरीके से पहुँचाया जा रहा है, इसको लिया जा रहा है सॉइल से प्लांट में, और ट्रांसलोकेट किस तरीके से किया जा रहा है, सॉइल से रूट में लिया है तो रूट से किस तरीके से ट्रांसलोकेट किया जा रहा है, कहाँ, लीफ तक। क्लियर, तो ये सब पूरा मैकेनिज्म वहाँ समझना है। फिर देखिए, यूनिट सेकेंड यहाँ पर है, यूनिट सेकेंड में हमको ये भी अच्छी है, जिसमें फोटोसिंथेसिस के बारे में समझना है और कीमोसिंथेसिस। दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस यहाँ पर समझना है, प्रकाश संश्लेषण, जी हाँ आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण, वो समझना है, और कीमोसिंथेसिस क्या होता है ये भी समझना, रसायन संश्लेषण। फिर देखिए, रेस्पिरेशन, श्वसन, श्वसन के बारे में यहाँ पर डिटेल में समझना है। फिर देखिए, यहाँ पर है लिपिड बायोसिंथेसिस एंड इट्स ऑक्सीडेशन,
लिपिड का किस तरीके से बायोसिंथेसिस किया जाएगा और इसे किस तरीके से ऑक्सीडाइज किया जाएगा, वो हम लोगों को मैकेनिज्म यहाँ पर समझना है। फिर देखिए यूनिट थर्ड में हमने सिर्फ एक पॉइंट मेंशन किया, हालांकि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पुट अप होंगे। जैसे कि नाइट्रोजन, जैसे कि हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना, तो नाइट्रोजन किस तरीके से फिक्स किया जाएगा, नाइट्रोजन कैसे बनेगी, किस तरीके से टूटेगी, वो सब हम लोग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में यहाँ पर समझेंगे, जो कि यूनिट थर्ड है। यूनिट फोर्थ में आपका आता है, यहाँ पर हम लोग बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, जो कि आप लोगों ने 11th में पहला चैप्टर या तीसरे चैप्टर में पढ़ा होगा बायो मॉलिक्यूल। फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड, केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे डिस्कवरी एंड नॉमेनक्लेचर, किस तरीके से डिस्कवरी किया गया है और क्या नॉमेनक्लेचर दिया गया है उसके बारे में, दैट मीन्स बायो मॉलिक्यूल जो यहाँ पर उनको, ठीक है। और फिर हम लोग देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, एंजाइम्स का क्या करेक्टर है और एंजाइम्स कितने प्रकार के हैं, वो सारा का सारा यहाँ पर डिस्कस करना है। सो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आपको ये तीनों पेपर अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इन्हीं के बारे में हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक है। और ये आपका सिलेबस पूरा जो मैंने बताया है, मैंने शुरुआत में ही बोला है कि सारे जो सिलेबस यहाँ पर सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका सिलेबस मोस्ट ऑफ 85% सिमिलर है, कुछ डिफरेंट हो सकता है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट ना करें, एक काम करें, काम ये करें कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं उसका सिलेबस निकालिए और मैंने जो यहाँ पर सिलेबस पढ़ाया है बताया है इसको आप एक बार मैच कर लीजिए तो बेटर रहेगा, ठीक है। अगर इससे 70% या 75% 80% मैच हो रहा है तो आप उसको टिक कर लीजिए उस टॉपिक को, और उस टॉपिक को इजीली आप यहाँ पर देख सकते हैं, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है उसको आप मुझे बाई मैसेज भेज सकते हैं कि सर ये वाला टॉपिक अगर आप पढ़ाना चाहें तो पढ़ा दीजिए, मुझे अगर समय मिला। अभी तो फिलहाल मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को ही लेकर के चल रहा हूँ, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर इनको लेकर के आगे चल रहा हूँ, ये जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा पूरा उसके बाद में कहीं मैं इन सब चीज़ों पर ध्यान दूंगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश ये करूँगा कि आप तक उस वीडियो को बना करके पहुँचा दिया जाए, ठीक है। चलिए तो इतना आशा करते हैं समझ में आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि जो भी मैं वीडियो लेक्चर डालूंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, क्लियर। और इसे शेयर जरूर कीजिए, आप अपने तक इसको मत रखिए, इस नॉलेज को अपने तक मत रखिए बच्चा, इसको शेयर कीजिए, अपने मित्रों को भेजिए, अपनी फैमिलीज में जो बीएससी वगैरह कर रहे हैं उनको भेजिए कि उनका भी थोड़ा सा बेनिफिट हो पाए, कि बहुत सारी कोचिंगें ऐसी हैं जहाँ पर हम मतलब हाईएस्ट रैंक की कोचिंगें ऐसी जहाँ पर हम जा नहीं पाते हैं, तो पढ़ाया यही सब जाता है, ठीक है। बस थोड़ा सा एडवांस ये कि वहाँ पर एसी वगैरह लगी है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने घर में बैठ करके देख रहे हैं, क्लियर। चलो, थैंक्स अ लॉट।